अयोध्या मामले में सजा पाए पवन गुप्ता की ओर से फांसी की सजा को उम्र कैद में परिवर्तन के लिए दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले प्रतापगढ़ सांसद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फांसी की सजा पाने वाले चारों दोषियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए था। बार बार याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि देश के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी निर्भया के गुनहगारों को फांसी की सजा का इंतजार है। देखिए, उस वक्त अगर ये मुजरिम पकड़े गए होते तो उस वक्त इनको एनकाउंटर कर देना चाहिए था, क्योंकि बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से इस घिनौनी हरकत ऐसे लोग किए थे ना, इनको बर्बरता के साथ इनको एनकाउंटर कर देना चाहिए। जैसे महिलाओं पे तो कानून बने हैं देश में, लेकिन इनके जो इस तरह के इनके हौसले बुलंद हैं, तो ऐसे में न्यायपालिका पर लोग भरोसा कर रहे हैं, फिर भी फांसी की सजा में देरी हो रही है। देखिए, न्यायपालिका पे लोग भरोसा करते हैं और न्यायपालिका न्याय तो मिलता है, मगर थोड़ा देरी होता है, क्योंकि हमारे देश का जो न्यायपालिका पे लोग विश्वास करते हैं, उस विश्वास के साथ इसे अभी निर्भया कांड में फांसी की सजा तो हो चुकी है, मगर बार बार अपील करते हैं, मगर अपील करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। इनको फांसी निश्चित होगी और न्यायपालिका ने फांसी की सजा सुना दिया है। कल भी ये सुनवाई होनी है, इसके लिए जो है 2 तारीख को समय रखा गया है। नहीं, अब कोई अपील करेगा न्यायपालिका के सामने, तो कोई भी अपील करे तो सुनवाई तो करनी ही पड़ती है, मगर उसमें कुछ होना नहीं है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि निर्भया को न्याय मिलेगा और न्याय मिल चुका है, बस बहुत जल्द फांसी मिलेगी। ऐसा नहीं लगता कि इनको गिरफ्तार करते समय एनकाउंटर कर देना चाहिए था हैदराबाद जैसे? नहीं, उस समय गिरफ्तार करते समय कर देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे निर्दयी लोगों के साथ इनको इतने दिन तक रखना नहीं चाहिए।